नमस्कार, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, हम आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर के हाजिर हैं। तो कुकर में पूड़ियाँ क्यों डालें? तो जो लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। तो चलिए फिर देर ना करते हुए आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं बहुत सारे किचन के ऐसे हैक्स जिससे हम मुश्किल से मुश्किल कामों को आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले टिप्स हमारी है कि बारिश के मौसम में हरी सब्ज़ी लाते हैं और बहुत जल्दी ही सड़ जाती है और वो ख़राब होने लगती है। फ्रिज में रखो या कहीं भी रखो, फिर भी ऐसा होता है। तो चलिए, इसके लिए हम बहुत ही बढ़िया टिप्स लेकर के आए हैं। एक पन्नी ले लीजिए, पहले तो इसको धुल के थोड़ा सा पानी सुखा करके उसके बाद में इसमें हम पन्नी में भर देंगे। और पन्नी में रखने से क्या होता है, अगर हम ऐसे ही रख देंगे पन्नी में डायरेक्ट तो हमारी भिंडी ख़राब हो सकती है, कोई भी हरी सब्ज़ी हो। तो इस तरह से हम अभी बताते हैं किस तरह से क्या करें ताकि हमारा जो है सब्ज़ी हमारी ख़राब ना हो। और ये सभी के साथ में होता है और सभी को करना। तो इस तरह से देखिए, सारी हम पन्नी के अंदर भर दिए हैं और भरने के बाद में हम इसमें गांठ लगा देंगे। तो क्या होता है, जैसे हम इसको बंद कर देंगे तो इसमें बाहर की हवा नहीं पहुंचेगी और हम फ्रिज में इसी तरह अगर रख देंगे तो ये हमारी भिंडी ख़राब होने का डर रहेगा, क्योंकि बारिश में ऐसा होता है, बाकी नहीं इतना ज़्यादा। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक चाकू लेंगे, चाकू की मदद से इसमें हम छोटे छोटे होल्स कर देंगे, इससे इसमें हवा पास होती रहेगी तो हमारी भिंडी या कोई भी सब्ज़ी ख़राब नहीं होगी। तो अभी हम आगे आपको दिखाते हैं कि मिर्ची मैंने ऐसे ही रख दिया था तो उसमें कितनी भाप बन गई है जिससे कि हमारी मिर्ची ख़राब होने का डर रहेगा। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो इस तरह से देखिए, अगली टिप्स हमारी क्या है कि भिंडी को काटने के लिए सुबह मॉर्निंग में सभी को जल्दी रहता है, तो इसके लिए मैं बहुत ही बढ़िया लेकर के आई हूँ कि एक हम ले लें सलाई बुनने वाली और इसको हम इस तरह से ढेर सारी भिंडी एक साथ में आप कट कर सकते हैं। 2 मिनट भी नहीं लगेगा, आप 2-2.5 किलो के भिंडी एक साथ काट सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से जितनी बड़ी सलाई है आप उतनी सारी भिंडी इसमें लगा दीजिए। लगाने के बाद में हम क्या करेंगे, तो चलिए देखते हैं। इसमें हम जितने आगे का पार्ट है उसको काट करके अलग कर लेंगे, इसको हटा देंगे। उसके बाद में आप देख सकते हैं कितनी ढेर सारी भिंडी, हम 1 मिनट भी नहीं लगेगा हमारी सारी भिंडी कट के तैयार हो जाएगी। इस तरह से हम छोटे छोटे टुकड़े कट कर लेंगे और बाकी बाहर का उधर का हिस्सा हम बाहर निकाल करके रख देंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं। अब चलिए आपको हम ढेर सारी एक साथ में कट करके दिखाते हैं। बर्तन के अंदर हम काटते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब उसमें नहीं बनता है। और हम अभी सेल्फ पे रख के आप जितनी चाहें उतनी एक साथ में भिंडी कट कर सकते हैं, जितनी बड़ी आपकी सिलाई है उससे। तो इस तरह से देखिए, हमारा समय बचेगा, हमारा काम भी आसान हो जाएगा। तो इस तरह से आगे का पार्ट अलग कर दीजिए, उसके बाद में हम देखें इतनी सारी भिंडी एक साथ में हम कितनी जल्दी से कट कर लेंगे। और इस तरह से इसको, तो ये देखिए सारी भिंडी हम कितनी जल्दी कट एकदम से कट गई हैं। आप उठा करके इसको रख लीजिए और इसी तरह हम सारी भिंडी कट कर लेंगे। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं इसमें कितनी सारी भाप बन गई है। इसके चलते हमारी मिर्ची ख़राब हो सकती है, कोई भी सब्ज़ी हरी होगी वो भी ख़राब हो सकती है। तो इस तरह से अभी हम दिखाते हैं कितना इसमें पानी अंदर से भाप के द्वारा बन गया है और इससे हमारी बारिश में सब्ज़ियाँ बहुत जल्दी ख़राब होती हैं। तो इसलिए इसको भी उसी तरह जिस तरह से भिंडी का हमने पैकेट छेद कर दिया है उसी तरह इसमें भी कर देंगे। तो आगे चलिए, अपने दूसरी टिप्स के पास हम चलते हैं। बहुत ही यूज़फुल टिप्स है, उसको आप बहुत ध्यान से देखिए, जो कि हमारे बहुत काम आने वाली है और हमारे समय पैसे दोनों की बचत करने वाली है। तो इस तरह से देखिए, अब रख देंगे, अब हमारी ये मिर्ची कभी भी ख़राब नहीं होगी, फ्रिज में चाहे जितने दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए, अगली टिप्स है, जैसे हम पूड़ियाँ बनाते हैं, कभी रात में अगर बनाए हैं और मॉर्निंग में बच गई हैं तो इनको कोई खाना पसंद नहीं करता है। तो इसको हम क्या करें कि एकदम ये ताज़ी जैसी हो जाए, जिस तरह से हम बना के रखते हैं उस तरह से। तो इसमें हम 1/2 कप पानी ले लेंगे और कुकर के अंदर डाल करके, और इसमें हम एक कटोरी रख देते हैं। कटोरी रखने के बाद में छोटी सी कटोरी ले लीजिए, मतलब पानी से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, पानी के बराबर नहीं होना चाहिए, थोड़ी ऊंची कटोरी ले लीजिए। और जितनी सारी पूड़ियाँ आपको गर्म करनी है, इस तरह से तवे पे गर्म करते हैं तो वो जो है थोड़ा कड़ी हो जाती हैं। तो इस तरह से देखिए, हम उस कटोरी के ऊपर पूड़ियाँ रख देंगे और रखने के बाद में इसमें हम ढक्कन लगा देते हैं। इससे क्या होगा, हमारी पूड़ियाँ बहुत मुलायम बन जाएंगी, बिल्कुल भी नहीं। इस तरह से ढक्कन लगा करके अब हम गैस को जला के इसको हम गैस के ऊपर रख देंगे। कुकर सिर्फ गर्म होना है, सिर्फ प्रेशर बन जाए थोड़ा सा और बस हमें हटा लेना है। तो देखिए, इस तरह से हम चढ़ा दिए हैं और गैस को थोड़ा सा हम लो कर देंगे। लो करने के बाद में इसको हम देखिए, हल्की सीटी आ गई है, अब इसको हम बंद कर देते हैं। और बंद करने के बाद में देखिए, हम ढक्कन निकाल दिए हैं। अब आपको दिखाते हैं कि कितनी बढ़िया हमारी पूड़ी बन के रेडी हो चुकी हैं। आप बिल्कुल, ये बिल्कुल ताज़ी जैसी हो जाएंगी। तो अगर टिप्स अच्छी लगी हो, है ना कमाल की हमारी टिप्स, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना। इसी तरह आप रोटियों को भी कर सकते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं बिल्कुल ताज़ी पूड़ी जैसी हो गई है।
तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए फिर अगली टिप्स हम शेयर करते हैं। सारी पूड़ियाँ आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये मुलायम हो चुकी हैं। तो अगली टिप्स हमारी क्या है, जैसे दूध बॉईल करने रखते हैं वो भूल जाए कहीं गलती से तो बॉईल वो निकल जाएगा बाहर, तो इसके लिए हम एक कलछी उसके ऊपर रख देंगे। और चलिए जैसे हमारे तवे पे कभी कभी होता है ना कि इसमें हम तेल के दाग पड़ जाते हैं, जैसे पराठा बनाते हैं तो तेल धीरे धीरे उस पर चिपक जाता है, वो नहीं छूटता है, तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े बर्फ़ के ले लेंगे, बर्फ़ के टुकड़े इस पर गर्म तवे पर डाल देंगे, उसमें एक चम्मच विनेगर डाल करके, और इस तरह से आप इसको किसी चीज़ से मतलब हाथ ना जलने पाए, थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, और इसमें हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देंगे। इससे क्या होता है, जितना भी तेल का दाग पड़ा है वो सारा हमारा छूट जाएगा और तवा हमारा बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना पड़ेगा, हल्का गर्म होना चाहिए तवा। तो चलिए अगली टिप्स हमारी क्या है, भिंडी तो हर कोई बनाता है लेकिन ये होता है ना कि कभी कभी चिपचिपी हो जाती हैं। और चलिए गैस की बचत कैसे करें, जैसे कढ़ाई हम धुल के चढ़ाते हैं तो उसमें जो पानी होता है तो अगर हम सीधे चढ़ा देते हैं तो उसको बहुत देर लगती है उसको पानी सुखाने में, तो इस तरह हमारी गैस भी बहुत लगती है, तो इसको पलट करके आप इस तरह से सुखा लीजिए। और उसके बाद में आप इसमें डालिए, एक चम्मच डाल दिए हैं राई, उसके बाद में हींग डाल देंगे और थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और थोड़ी सी मेथी डालेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो है भिंडी अचारी भिंडी बनती है तो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। अब कटी हुई हरी मिर्च डाल दीजिए अपने स्वादानुसार, और बहुत से लोग कहते हैं चिपचिपी बनती है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ में टिप्स के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे प्याज होता है, प्याज को हम पकाते हैं तो ऐसे हमारा प्याज अगर ज़्यादा भिंडी में, जब जितना ज़्यादा प्याज पड़ता है उतनी भिंडी अच्छी बनती है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल करके अगर पकाएंगे, एक मतलब थोड़ा सा बिल्कुल डालेंगे नमक प्याज के साथ में, तो इससे हमारा प्याज बहुत जल्दी पक जाता है और टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिए इस तरह से आप डाल करके देखेंगे तो खुद ही आपको लगेगा कि प्याज हमारा कितनी जल्दी पक गया, क्योंकि प्याज पकने में बहुत टाइम लगता है, इससे हमारी गैस बहुत जाती है और समय भी बर्बाद होता है। तो इस तरह से अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर और एक अचारी मसाला रखा है बना हुआ उसको डाल देंगे, और एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, और उसके बाद में हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने के बाद में जो भिंडी काट के रखे हैं उनको हम इसमें डाल करके और इसको मसाले को मिक्स कर देंगे। उसके बाद में हम इसमें क्या डालेंगे आप लोग देखते रहिए, और हमारी भिंडी बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनेगी और बिल्कुल कुरकुरी भिंडी बनके तैयार होगी। हम बिना किसी मसाले के, ज़्यादा मसाला नहीं डालें। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा गर्म मसाला और इसको डाल करके मिक्स कर देंगे, और स्वादानुसार नमक डाल दीजिए आप, और इसको मिक्स करके इसको हम ढक्कन लगा देंगे थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए, और उसके बाद में हम इसको देखते हैं कि क्या कितनी अच्छी भिंडी बनके तैयार होती है। अब अगली टिप्स है, जैसे हम कलछुल उठाते हैं, कोई भी हो कलछुला हो या कुछ भी हो, तो उसको हम अगर गैस पे रख देंगे तो गैस हमारी गंदी हो जाती है, इसमें हल्दी लगी होती है और तेल लगा होता है तो गैस हमारी गंदी हो जाती है, तो इसके जो होता है इसमें डाल के हम टांग देंगे तो हमारी गैस भी नहीं गंदी होगी। अब डाल दिए हैं इसमें हम थोड़ा सा नींबू, नींबू से भिंडी का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, और एक पैकेट इसमें हम जो मैगी मसाला होता है उसको डाल देंगे। इससे आप देखेंगे कि हमारी भिंडियां बहुत ही स्वादिष्ट बनती हैं। एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि हमको कौन सी टिप्स आप लोगों को पसंद आई। अब होता है लाइटर, ज़्यादातर लाइटर जल्दी ख़राब हो जाता है, उसके लिए हम क्या करें, जैसे कभी हम गैस के ऊपर रख दिए या नीचे रख दिए तो पानी गिरता है तो हमारा लाइटर बहुत जल्दी ख़राब होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर जहाँ पे हम डब्बे रखते हैं वहाँ पे रख देंगे। तो ये देख सकते हैं आप भिंडी कितनी बढ़िया बनके तैयार हो चुकी है। हमारी टिप्स आप लोगों को जो भी पसंद आई हो तो उसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सी टिप्स हमको बहुत आप लोगों की पसंद आई हैं, और मुझे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इस तरह से देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया भिंडी बनके तैयार हुई है। आप जो है इस तरह से बनाएंगे तो आपकी भिंडी कभी भी चिपचिपी नहीं बनेगी। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।